अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हिंदूवादी पदाधिकारियों ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को समस्त दल बल के साथ मथुरा के लिए कूच करेंगे और पावन नदियों के जल से लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे। इसी ऐलान के चलते पुलिस फोर्स बैकफुट पर आ गया और समस्त हिंदूवादियों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया, जिससे हिंदूवादियों में आक्रोश की लहर है। बीते दिनों अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हिंदूवादियों ने ऐलान किया था कि वह 6 दिसंबर को समस्त पावन नदियों का जल एकत्रित करके मथुरा जन्मभूमि की ओर कूच करेंगे और पावन जल से लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे। हिंदूवादियों का ऐलान सुनते ही पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया और सभी हिंदूवादियों को उनके ही घरों में नज़रबंद कर दिया गया, जिससे हिंदूवादियों में आक्रोश की लहर है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी द्वारा आह्वान किया गया था श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जलाभिषेक करने का। उसके तहत समस्त आगरा के हिंदू महासभा के जितने पदाधिकारी सबको घर पर नजरबंद कर दिया है ताकि यह जलाभिषेक करने मथुरा जन्मभूमि न जा सके। एक और योगी बाबा जहाँ कहते हैं कि आपके जो कार सेवा होगी उस पर जलाभिषेक जो करने जाएंगे, कार सेवा करने जाएंगे, उन पर पुष्प की वर्षा की जाएगी, वहीं दूसरी ओर आगरा का प्रशासन पता नहीं क्यों नजरबंद करके क्या संदेश देना चाहता है। क्या योगी जी का सपना जो श्री कृष्ण जन्म भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का था, क्या आगरा का प्रशासन उस पर रोक लगाना चाहता है? आज मुझे और मेरे सब हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं, जिसमें मीना दिवाकर है, जितेंद्र कुशवाहा, रौनक ठाकुर, मनीष पंडित जी, अंकित चौहान, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा हम लोगों को मथुरा जाने से रोक दिया गया है। कुल मिलाकर हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान था, उन्होंने कार्यक्रम तो पहले ही कैंसिल कर दिया था। आगरा के SSP साहब को हम लोगों ने बता भी दिया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन आज जब हम लोग घर से निकल रहे थे प्रशासन ने हमको यहाँ पर नजरबंद कर दिया है और कल शाम तक के लिए प्रशासन हमसे कह रहा है आप कल शाम तक कहीं नहीं जाएंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने बताया कि वह जैसे ही अपने समर्थकों के साथ मथुरा जन्मभूमि के लिए निकल रहे थे, तभी थाना सदर और थाना रकाबगंज का फोर्स मौके पर पहुंच गया और संजय जाट को उनके घर में ही भारी पुलिस फोर्स के बीच नजरबंद कर दिया। देखिए, सभी जितने भी 5-6 लोग थे सभी से वार्ता की गई है और सबने कहा है कि आगरा की शांति व्यवस्था को देखते हुए, प्रदेश की शांति व्यवस्था को देखते हुए कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने अपने घर पर मौजूद है और उनकी पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। SSP सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पूरे शहर को सेक्टरों में बांटा गया है। शहर के हर चौराहे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मथुरा जाने वाले मार्ग पर पुलिस की तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है। शहर की फिजा खराब ना हो, इसके लिए जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।